दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। मेरे पीछे यह हंगामा और यह नारेबाजी वास्तव में मंडला और डिंडोरी जिले के मोहगांव और मेहंदवानी इलाके के सैकड़ों ग्रामीणों का जमघट है। यह बसनिया बांध का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी जो उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, उससे इन ग्रामीण आदिवासियों का जीवन भी नश्वार हो चुका है, दुश्वार हो चुका है। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। जो सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। आज हम सब लोग यहाँ पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सिर्फ संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर बातचीत करने आए थे, लेकिन आप हम सब देख रहे हैं कितने सारे हमारे वर्दी पहन के हमारे भाई लोग ही हैं, हमारे सुरक्षा करने वाले लोग हैं। इनका मानना यह है कि बसनिया डैम से वास्तव में 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन तो बर्बाद हो रही है, बाकी आवासीय मकान भी पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। सरकार विकास के नाम पर बांध का निर्माण तो करती है, लेकिन इन ग्रामीणों का पुनर्वास करने में सदैव पीछे रहती है। आरोप इतना अधिक है कि ग्रामीणों का कहना है कि हम सरकार और प्रशासन के लोगों को अपने घर के आंगन और कृषि भूमि पर एक कदम भी नहीं रखने देंगे, चाहे हमारी जान भी चले जाए। बसनिया बांध निरस्त करो, बसनिया बांध निरस्त करो। आप हम सबको यह बात याद है, बसनिया मोहगांव और मेहंदवानी इलाके के इन ग्रामीणों को ने आज कलेक्टर जहां इरिगेशन ऑफिस का घेराव किया है, वहीं कलेक्टर को राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि हमारी मांग यही है कि बांध हमारे गांव में ना बनाया जाए और हमें विस्थापित ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।